हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायोटीच पर लेके जब हम गूगल स्कॉलर साइट पे जाएंगे, मेनली जो मैं थीसिस राइटिंग बता रही हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टॉपिक डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक सर्च कर रखा है नैनो पार्टिकल्स, तो मैंने यहाँ पे डाला नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स के यहाँ पे बहुत सारे क्या आ गए, पेपर्स आ गए। अब यहाँ पे जो पेपर्स आए हैं उनमें से मैंने कोई एक पेपर उठा लिया, जैसे नैनो पार्टिकल्स एंड द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, और पेपर मिल जाएंगे आपको जिनके अंदर डिटेल होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, इंट्रोडक्शन कैसे क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, हर चीज़ें उसमें क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। अब यहाँ से जैसे हमने एक लाइन उठा ली, नैनो पार्टिकल आर ए क्लास ऑफ मटेरियल, हमने सिर्फ ये इतना क्या किया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सबसे पहला फर्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टूल है वो है क्विलबॉट। यहाँ पे हम डालेंगे क्विलबॉट। जब हम यहाँ पे क्विलबॉट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। जब हमारा यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे पैराफ्रेजर के ऊपर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जब हमने अपना टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया, और फिर हम इसको क्या करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेज करने के बाद जो हमारी कॉपी की थी, हमने जो हमारी लाइन हमने कॉपी की थी, वो हमारी क्या हो गई, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। जैसे हमने की थी, नैनो पार्टिकल आर ए क्लास ऑफ मटेरियल विच विद प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर बल्क एंड मोलिकुलर काउंटरपार्ट्स। ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द वेरी ब्रॉड टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल नैनो पार्टिकल्स इज प्रेजेंटेड। अब हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला, ए क्लास ऑफ मटेरियल नोन एज नैनो पार्टिकल डिफर फ्रॉम इट्स बल्क एंड मोलिकुलर काउंटरपार्ट्स इन ए नंबर ऑफ वेज। मतलब जो क्लास ऑफ मटेरियल है, जैसे उनको हम क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल बोलते हैं, जिनको हम नैनो पार्टिकल के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं बल्क एंड मॉलिक्यूलर काउंटर पार्ट्स इन ए नंबर ऑफ वेज। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने कंप्लीट को क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम जो हमारी वर्ल्ड की फाइल है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये थी हमारी फर्स्ट साइट जहाँ से हम बिना प्लेगरिज्म के अपनी थीसिस को लिख सकते हैं। सेकंड हमारी जो साइट है वो है जेमिनी, जेमिनी AI। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो थीसिस है उसको बिना किसी प्लेगरिज्म के राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जो टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम डालेंगे कन्वर्ट इट इनटू मोर साइंटिफिक लैंग्वेज। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब जब हम इसको डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, मतलब जो लैंग्वेज है इसकी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जो हमारी वर्ल्ड की फाइल है जहाँ पे हम थीसिस रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये थी हमारी सेकंड साइट जहाँ से हम बिना प्लेगरिज्म के क्या कर सकते हैं, अपनी थीसिस को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड साइट आती है चैट GPT। चैट GPT से हम बिना
प्लैक के हम क्या कर सकते हैं, अपना जो थीसिस है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे रिफ्रेश। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको क्या करेंगे, अपनी जो वर्ड फाइल है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास थीसिस लिखने के लिए 50 से 60 पेपर हों, अगर हमारे पास 15 से 20 पेपर्स भी हैं तो भी हम बहुत अच्छे से अपनी थीसिस को लिख सकते हैं। बस बात यह है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो सिंपल हो, जो हमारा गाइड है उसको हमारी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके थीसिस में प्लैग आता है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अब क्या करना, जैसे हमारी लाइन ये है, हमने यहाँ से इसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमारा जो चैट जीपीटी है वहीं पे हमने क्या किया था, इसको रिफ्रेश किया था। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। चेंज होने के बाद हम इस कॉपी मटेरियल को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्विल बोर्ड की साइट पे जाएंगे। अब जब हम क्विल बोर्ड पे गए, क्विल बोर्ड को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे और जो हमारा पैराफ्रेजर है, पैराफ्रेजर के अंदर हम क्या कर देंगे, अपने टेक्स्ट को कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद हमें पैराफ्रेज नहीं करना, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमें उठाना है और हमें यहाँ से ये हमें उठाना है, कॉपी करना है और जो हमारी वर्ल्ड की फाइल है उसके अंदर हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या होगा, जो हमारा प्लैग है वो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब जहाँ हमारा प्लैग 8 से 10% मान्य होता है तो इससे हमारा जो प्लैग है वो 5 से 6 के बीच में ही आता है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, जिनके अंदर डिसर्टेशन होती है, उनके अंदर ये जो टूल्स हैं ये क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी थीसिस को ईजिली राइट कर सकते हैं इन टूल्स की यूज़ करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डिसर्टेशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां से बता दूंगी। थैंक यू।